बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आल मुहम्मद व असहाब मुहम्मद व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व आला आलिका व असहाबिका या सैयदी या रहमतुल आलमीन। सुबहानअल्लाह जी, माशाअल्लाह तबारकअल्लाह। ये आप जो देख रहे हैं सामने मेरे मनाजर, ये हैं जी मीना मीना, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये है मस्जिद अल खैफ़, जहाँ पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के दौरान आप सल्लम का खैमा मुबारक इसी जगह पर कायम किया गया था। माशाल्लाह ये खूबसूरत से इंतजाम जी माशाल्लाह हुजाज के लिए। ये सामने आपको ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये हॉस्पिटल है, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हुजाज कराम को फौरी तौर पर तिबी इमदाद दी जा सके। बहुत ही खूबसूरत इंतजाम, ये देखें क्या खूबसूरत मंजर है। दो दिन के बाद हाजी हजरात जो हैं पूरी दुनिया से जो इस वक्त मौजूद हैं मकाम मुकर्रमा में और मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आहिस्ता आहिस्ता जो मदीना मुनव्वरा में हुजाज कराम हैं उनकी वापसी शुरू हो चुकी है, और काफ़ी सारी तादाद में अभी मक्का मुकर्रमा में हुजाज जो है पहुंच चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया की तरफ से भी मुकम्मल इंतजाम और सिक्योरिटी के बहुत ही ज़बरदस्त इंतजाम किए हुए हैं। मैं आपको आज जो है चल के दिखाता हूँ मुज़दलिफा का मनाजिर और मीना के अंदर क्या इंतजाम किए हुए हैं, और जहाँ पर हाजियों ने कुर्बानी अदा करनी है वो जगह ये सामने देख रहे हैं। ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं, ये ख़ास मीना, अरफात और मुज़दलिफा के लिए, ये हाजी हजरात जो हैं इसके ऊपर आकर और इसके ऊपर आकर जो है रम्मी जमरात के बाद अपने अपने खेमों में वापस जाया करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही इंतजाम। ये ट्रेन जो है आपको अरफात तक लेके जाती है, अरफात से भी वापसी के लिए इसके ऊपर जो हाजी हैं उनके पैकेज इसके अंदर ही होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं खूबसूरत से इंतजाम। और यहाँ पर जो ख़ास मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पर आने के लिए अलग से रास्ते बनाए हुए हैं, वापसी के लिए जब आप शैतान को कंकरे मार के जाएंगे तो उसके बाद जो है इंतजाम अलग किए हुए हैं। आप देख सकते हैं खैमे कैसे खूबसूरत नज़र आ रही है। सामने जो देख रहे हैं आप, ये है ब्रिज, जहाँ पर हाजी साहिबान कंकरियाँ मारने के बाद एक रास्ते से आएंगे, दूसरे रास्ते से ये वापस जाएंगे। अभी यहाँ पर ये इंतज़ामिया और इनकी जगह जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन कल से ये पूरा एरिया जो है मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया जाएगा। अब देख सकते हैं सामने से सिक्योरिटी के बहुत ही इंतजाम, बेहतरीन इंतजाम, और ये अलग अलग से रास्ते जो हैं बनाए हुए हैं कि आने का रास्ता अलग से है, जाने का रास्ता अलग से, ताकि हाजियों को जो है किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला इंतजाम हैं। इंशाअल्लाह कल से, अच्छा हाजी साहिबान जो है कल से यहाँ पर अपने खेमों में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंतजाम होते हैं, तो जिस ग्रुप के अपने हिसाब से होते हैं कि किसी ग्रुप के लाखों के तादाद में, किसी के हज़ारों की तादाद में, अपनी तरतीब है। पाकिस्तान से जैसे आए हुए हैं, इंडिया, बांग्लादेश, ये हमारे और खलीज से, ये देखें अफगानी भाई जो हैं इस वक्त मीना का मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पैदल सफ़र कितना है और अपने खेमों को तलाश कर रहे हैं, ताकि हज के दिन जो है हमें तकलीफ़ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह देखें खूबसूरत ही इंतजाम हैं, अलग अलग से जो है सिस्टम। अच्छा हाजी साहिबान जैसे कि भूल जाते हैं, अभी भी कंकरे मार के आ रहे हैं, तो उसके दौरान ही तकरीबन बहुत से हाजी जो हुजाज कराम हैं तो अपने खेमों को पहुँच नहीं पाते, तो उसके लिए थोड़ा उनको समझा भी दें कि भाई आपने कार्ड अपने साथ रखने हैं, कार्ड और खेमे का नंबर जो है, अगर खुदा ना खासा गुम भी कहीं हो जाए, अगर आपके पास खेमा नंबर और आपका जो है कैंप नंबर होगा तो आपको कोई ना कोई वहां पर पहुंचा देगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हाजी साहिबान के लिए। काफ़ी तादाद में ऐसा होता है कि हुजाज कराम जो है बड़ी उम्र के आते हैं, तो उनको इन चीज़ों का जो है सही माने में कोई इल्म ही नहीं होता और वो बहुत सारी तकलीफ़ में आ जाते हैं। तो ये देखें मीना के अंदर के मनाजिर दिखा रहा हूँ, और मैं चल रहा हूँ अभी जो है मुज़दलिफा की तरफ, जहाँ पर हुज्जाज कराम अपना अरफात से वापस आते हुए क़याम करेंगे। और ये मीना के अंदर के मनाजिर, अभी जो है खैमे जो है बिल्कुल मुकम्मल ही तैयार हो चुके हैं, अंदर सफाई सुथराई का भी काम बाकी थोड़ा रह गया है, तो वो इंशाल्लाह कल के दिन तक मुकम्मल कर लेंगे। परसों से, वैसे तो तारीख जो है तकरीबन जुमेरात को, कल है जुमेरात, आज बुध का दिन है, तो जुम्मे के दिन से जो है हुजाज कराम पहुंच जाएंगे। सुन्नत यही है कि 8 जिल हज को जो है हुजाज कराम जुहर, असर, मगरब, इशा, मीना में अदा करेंगे।
तो उसके बाद जो है नौ ज़िल हज को आपने जाना होता है, जैसे ही सूर्य तलू होगा फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मीना में, सूर्य तलू होने के बाद फौरन आपने अरफात के लिए निकल जाना है। अरफात के लिए भी बसें मिलती रहती हैं यहाँ से, और हर किसी कैंप का अपना इंतज़ाम होता है। ये सामने जो मनाजिर दिखा रहा हूँ आपके, ये है मुज़दलिफ़ा का मुकाम। मुज़दलिफ़ा में जो है जैसे आप अरफात से वापस हुज्जाज कराम आते हैं, तो इस जगह पर यह पैदल जाने के लिए रास्ता है। तकरीबन जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो है हुज्जाज कराम पैदल ही सफ़र करते हैं, और मैं भी यही मशवरा दूंगा जिनको अल्लाह पाक ने हिम्मत और ताकत दी है तो वो पैदल ही आए जाएं। ये देखिए आप ये ट्रैक बनाए हुए हैं, और ये सामने मस्जिद नज़र आ रही है आपको, ये मस्जिद मशर अल हराम। यहाँ पर भी हजूर बी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है खैमा मुबारक हज के दौरान यहाँ पर था ये माशाल्लाह जी। और अभी मैं ऐसा ऐसा जो है आपको ये मुज़दलिफ़ा के दिखाता रहा हूँ। यहीं पर खाली मैदान है, आप एक चीज़ नोट करें कि मीना में जैसा कि आपने देखा कि खैमे लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई खैमा नहीं है। रोड के ऊपर ही हाजी हजरात ने जो है सोना है, अगर सोने की ख्वाहिश होगी तो यहाँ पर सोएं, आराम करें। रात सारी बहुत बरकत वाली रात है, अल्लाह पाक इन सब के अमल में बरकत दे, और अल्लाह पाक हुजाज कराम का हज कबूल फरमाए और उनके लिए आसानियाँ फरमाए, और इंतज़ाम करने वालों को अल्लाह पाक अजर अजीम से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों अभी जो है आप देख रहे हैं ये सारा मनाजिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है मुज़दलिफ़ा के। मुज़दलिफ़ा में बिल्कुल ही साफ़ सुथरा मैदान, इसमें कोई किसी के लिए जो है जितने भी VIP लोग हों, जितने पैसे वाले हों, गरीब, सब ने एक ही जगह पे सोना है। ये आप देखेंगे परसों जो है इंशाअल्लाह यहाँ पर हफ्ते के दिन हज होगा, ज़िलहज का खुतबा जो है नौ ज़िलहज के खुतबे के बाद यहाँ पर हुज्जाज कराम आ जाएंगे। और सामने ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये है जी कुर्बानगाह, जहाँ पर हमने पहले दिन हाजी साहिबान जो है जैसे ही अरफात से मुज़दलिफ़ा आएंगे, मुज़दलिफ़ा रात क़याम करेंगे, क़याम करने के बाद जो है एक कंकरी जो है बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बान गाह आएंगे, वहाँ पर जो है कुर्बानी करेंगे, उसके बाद जो है अपना सर मुड़ाएंगे और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक़ाकार सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुर्बान गाह में माशाल्लाह यहाँ पर भी देखें आप बहुत सारे जो है इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर अभी देखें यहाँ भी कुछ हाजी साहिबान जो है आए हुए हैं, और वो भी शायद देखने के लिए आए होंगे कि क्या इंतजाम हैं, या फिर किसी ने अगर कुर्बानी के पैसे जमा कराने हों तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ बैंकों के भी वो लगे हुए हैं, ATM कार्ड वगैरह भी हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी पैसे भर के देंगे या कुछ जो है, तकरीबन हमारे इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो है हुज्जाज कराम आते हैं तो उनके पैसे पहले से ही जमा होते हैं। अगर आपने किसी ने नकद करनी है तो वो भी उनका इंतज़ाम यहाँ पर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंतज़ाम पहले नहीं किया हुआ कुर्बानी का, अगर आप ख़ुद यहाँ पर आकर चल के आएँगे, वैसे यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि खेमे जो हैं बहुत दूर होते हैं। तो ये तकरीबन कुर्बान गाह का सफ़र जो है 6.5 से 7 किलोमीटर बनता है, जहाँ पर आपके मीना में खैमे होंगे। ख़ास तौर पर मैं इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बात कर रहा हूँ, क्योंकि 7-8 किलोमीटर आपको आना है, कुर्बानी करनी है, 7-8 किलोमीटर वापस आपने अपने खैमों की तरफ जाना है। अभी ये मैं मीना से जो है वापस अंदर दाखिल हो रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ कि ये जमरात की तरफ से जो है आपको थोड़ा अंदर का भी माहौल दिखाता चलूँ। तो यहाँ पर असल में जो है ना, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको यहाँ अंदर खैमे दिखाऊं, लेकिन सिर्फ रह गए हैं 2 दिन, तो इसकी वजह से जो है अंदर मुझे जाने नहीं दिया गया। ये जो है 5 मंजिल पे ऊपर जो है इसको बनाया हुआ है, शैतान को आप कंकरियाँ मारने के बाद जैसे हाजी साहिबान आएंगे तो जाने का एक अलग से रास्ता मैं बता रहा हूँ आपको जैसे, और निकलने के लिए वापसी के लिए अलग से रास्ते हैं, ताकि भीड़ हो जाने की सूरत में कोई हादसा पेश ना आए। दुआ है रब्बे कायनात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और अल्लाह के घर के आए मेहमानों को अब खैर आफियत से वापस अपने मुल्कों को ले जाए। ये माशाल्लाह देखें ये इंडोनेशिया के हाजी साहिबान जो है ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, बहुत ही आला और नफीस इंसान होते हैं इंडोनेशिया के। मैंने कभी कोई भी हाजी जो है इंडोनेशियन किसी को झगड़ते नहीं देखा, ना ही किसी के साथ जो है गुस्से से बात करते हैं। अल्लाह पाक इन सब की इबादत को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अस्सलामुअलैकुम।